नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये देख सकते हैं हमारे पास 701 मॉडल PBT 701 यानी 700 वाट की एम्पलीफायर स्ट्रेंजर कंपनी की रिपेयर होने के लिए आई हुई थी। तो इसमें इसकी जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो चुकी थी दोस्तों, और इसमें क्या इस ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम थी वो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आप भी देख सकें। और ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो रिपेयर आप खुद से कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसफार्मर मैं अभी खोल लिया हूँ, और इसमें मुझे लग रहा था कि इसमें इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वैसा ज़रूरत इसमें इसकी नौबत नहीं आई है। तो इसे जो भी प्रॉब्लम थी मैं आपके सामने दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप स्क्रीन शॉट में इसकी फ़ोटो देख लें। एम्पलीफायर ऑन करने के साथ ही इस ट्रांसफार्मर से धुआँ निकलना शुरू हो जाता था दोस्तों, और आप स्क्रीनशॉट में आप देख भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसकी रीवाइंडिंग मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन रीवाइंडिंग नहीं करना पड़ा। और इसमें प्रॉब्लम कहां से ऐसा क्रिएट हुआ है ये आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लें, और इसे हम फिर से इस ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग हमने कहाँ पर किया है और कैसे किया है दोस्तों, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। अभी इस एम्पलीफायर से ट्रांसफार्मर मैंने खोल लिया है, ये देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से इसकी जो शॉर्ट सर्किट हुआ था इस ट्रांसफार्मर में वो आप देख लीजिए। इसकी जो वायरिंग है वो बिल्कुल जल चुकी है, ये बिल्कुल आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हम रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के बीच में हमेशा मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इसे हम कैसे क्या करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूं। ये देख लें, यहां से बिल्कुल ही यहां पे जो धुआं का जो जला हुआ था पूरा काला हो चुका है, और इसमें शॉर्ट सर्किट भी हुआ है दोस्तों। जैसे भी इस एम्पलीफायर में लाइन दिया जाता था वैसे ही इसमें धुआं देना शुरू हो जाता था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैमरे को एक जगह फिक्स करके रखा हुआ है, और ये जितने भी तार इसमें चिपका हुआ है दोस्तों, ये सब मैंने निकाल चुका हूँ पहले से, और अभी भी यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इसे हम कटर से काट लेंगे, और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा जो PVC का जो ख़राब हो चुका है उसे हम बाहर निकाल देंगे। और ये दोनों ब्लैक वायर आप देख रहे हैं ये कॉमन है, और दोनों येल्लो वायर जो देख रहे हैं ये 45 वोल्ट AC के लिए दोस्तों, यानी कि 45045 इसमें करंट हमारा आउटपुट इसमें मिलता है। तो आपको 3 नंबर का स्लीव लेना है, और स्लीव को हम यहाँ पे डाल देंगे, और बेसिक हमें कुछ नहीं करना है, केवल स्लीव डाल देंगे और इसे हम सेफ कर देंगे, ताकि जब भी हमारी एम्पलीफायर में लोड हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट खड़ा ना करे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये थोड़ी सी दिक्कत जो इसकी PVC कर रही, इसे भी हम तोड़ के हटा देंगे, कटिंग कर देंगे वहाँ पर, और केवल कॉपर रहने देंगे, और स्लीव डाल देंगे पूरा। तो देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी लंबी स्लीव लेनी है, और इसे फटाफट से काट के हम डाल देंगे। और इसमें भी इसकी जो टेस्टिंग है वोल्टेज भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। ये लगभग आउटपुट ये 45 वोल्ट के करीब हमें देती है, जो कि एम्पलीफायर ऑपरेट के लिए होती है दोस्तों। जब हमारी 701 जो मशीन है उसमें हमारी 45045 से ऑपरेट होती है, दो रेक्टिफायर की मदद से -45 वोल्ट और +45 वोल्ट हमें बनाना पड़ता है, जो कि दो फिल्टर के कैपेसिटर के माध्यम से हम बनाते हैं इसमें बना हुआ है। तो इसे हम फटाफट से स्लीव लगा लेते हैं, और स्लीव लगाने के बाद एक बार इसे वोल्टेज में भी हम देख लेते हैं हमारी धुआं फिर से शॉर्ट सर्किट हो रही है या फिर हमारी प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे इसमें धुआँ निकल रहा था। जैसे ही हमने इस एम्पलीफायर में लाइन डालता था, डालने के बाद घर का जो MCB है, हमारे दुकान का जो MCB है दोस्तों, ऑफ हो जाती थी। तो इसे हम फटाफट से स्लीव लगाएंगे। तो हमारा भी 3 वायर में स्लीव लग चुका है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अंत में ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हुए हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आगे भी
डीजे एम्पलीफायर से रिलेटेड रिपेयर की वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो देख सकते हैं बिल्कुल हमने केवल इसमें स्लीव लगा दिया है। और ये दोनों रेड और ग्रीन वायर आप देख रहे हैं, ये हमारे एसी 220 वोल्ट इनपुट के लिए है प्राइमरी, तो इसे आप प्राइमरी भी बोल सकते हैं। तो इसे हम लाइन इनपुट करके दिखाएंगे अभी आपको। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से हमारी 5 से 6 वोल्ट आउट होती है, जो नीचे वायर आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये हमारे 5 से 6 वोल्ट के आसपास एसी वोल्टेज हमारी एम्पलीफायर में आउट होती है। तो इसे हम एक बार लाइन इनपुट करके देख लेते हैं और अपने मल्टीमीटर से इसकी जो वोल्टेज है वो भी हम नाप लेंगे दोस्तों, ताकि कहीं से भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो और कहीं पे भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़ हो रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम दोनों ब्लैक जो है इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, दो अलग अलग वाइंडिंग होती है, तो एक ब्लैक और एक येलो के लिए है अलग वाइंडिंग, और एक ब्लैक और एक येलो अलग वाइंडिंग है। तो दोनों ब्लैक को अगर हम मिला देंगे तो 45045 का करंट इसमें 45 वोल्ट आउटपुट देगी, बीच में हमारी ग्राउंड हो जाएगी नेगेटिव। तो देख सकते हैं हमने अभी 600 की रेंज में हमने सेट करके रखा हुआ है, जो कि अब 200 की रेंज में भी सेट करके रख सकते हैं, तो 200 में हमने कर दिया है। और इसकी अब वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी नहीं है, इधर से है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 45.9 के आसपास है, यानी कि लगभग 45 वोल्ट इससे मान के चलिए। और अब हम दूसरी एक बार फिर से अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं, हम देख सकते हैं दोस्तों अब हम दूसरा ब्लैक और येलो में लगाएंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल। तो दोनों में वोल्टेज हमारे बिल्कुल सेम आ रही है, तो ट्रांसफार्मर में हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। और इधर आप वोल्टेज इसका भी देख सकते हैं आप, लगभग अच्छी तरीके से सेट नहीं हो रहे, लगभग देख सकते हैं यहाँ 6.5 से 6 वोल्ट के करीब निकल रही है, यानी कि हमारी ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। तो इसीलिए दोस्तों मुझे रिवाइंड नहीं करना पड़ा, नहीं अगर यहाँ पे हमारी फिर भी अगर शॉर्टिंग रहती और अगर इसमें जलने की बदबू अगर आती ट्रांसफार्मर हमारा गर्म होता तो फिर हम इसे रिवाइंड कर देते। तो आप ये इस एम्पलीफायर में हम सेट करेंगे और इसकी कनेक्शन हमें कैसे करना है और कहाँ पे हमें इसकी कनेक्शन जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, और इसकी टेस्टिंग हम फिर से एक बार लोड करके लोड लेके दिखाएंगे चला के, ताकि लोड में अभी खाली में ट्रांसफार्मर हमारे बिल्कुल ठीक ठाक है और लोड में भी हम देख लेंगे दोस्तों। तो ये देख सबसे पहले हम ये जो हमने कटिंग किया हुआ था 6 वोल्ट के लिए, इसे हम जोड़ देंगे और यहाँ से जोड़ने के बाद फिर हम इसकी जो रेक्टिफायर के लिए जो सप्लाई है उसे भी हम जोड़ेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें भी हम स्लीव लगा देंगे और कवर कर देंगे स्लीव, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने भी स्लीव दो काट लिया है और दोनों स्लीव को यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद जब भी हम इस ट्रांसफार्मर में जोड़ेंगे इसकी जो कनेक्शन है, कनेक्शन जब हम करेंगे दोस्तों तो उस जगह पर हमें सोल्डिंग भी कर देना है, ताकि यहाँ पे स्पार्किंग ना हो। तो अभी तो हम फिलहाल इसे हाथ से इसमें जोड़ देंगे, हाथ से जोड़ने के बाद इसके ऊपर हम सोल्डिंग भी करेंगे, ताकि इसमें स्पार्किंग बिल्कुल ही ना हो। तो दो स्लीव हम और काट लेंगे और दोनों काटने के बाद इसी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ से हमारी 220 वोल्ट इनपुट करेंगे, तो वहाँ पे भी हम स्लीव लगाएंगे। तो इसकी जो टाई लॉक है उसे हम खोल देंगे ताकि काम हमारा आसानी से हो जाए। तो दोनों स्लीव हमने यहाँ पे डाल दिया है और ये देख सकते हैं बिल्कुल रेड और ग्रीन जो वायर है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि हमारी सप्लाई के लिए है। तो इसकी जो वायर है वहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे जो भी हमने पहले जोड़ा हुआ था, उसके बाद हम इनपुट सेक्शन में जोड़ेंगे। तो हमारा एक तरफ सोल्डिंग हो चुका है दोस्तों और स्लीव को यहाँ पे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम एक टाई लॉक लेंगे और टाई लॉक से यहाँ पे कस देंगे ताकि स्लीव हमारा इधर उधर ना हो और अपनी जगह से बिल्कुल फिक्स रहे अपनी जगह पर। तो एक हमारा कनेक्शन हो चुका है, अब हम इसकी जो प्राइमरी सेक्शन है
ये देख सकते हैं ग्रीन और रेड, इसमें भी हम जोड़ देंगे। दोस्तों जब भी आपके साथ भी अगर सेम प्रॉब्लम आती है और सेम कंडीशन में अगर कुछ होता है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप रिपेयर कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों इसकी शॉर्टिंग का हमारा वीडियो और भी अपलोड हो चुका है इस चैनल में, आप जा कर के चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। 701 का ओवरलोड प्रॉब्लम जो है उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके डाला हुआ है। अगर ओवरलोड की फॉल्ट आपके सामने आती है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं खुद से। तो इसमें भी हमारा स्लीविंग हम लगा देंगे सोल्डिंग करने के बाद, और यहाँ पे भी हम एक टाई लॉक कस देंगे ताकि स्लीविंग इधर उधर मतलब ना जाए और एक जगह पे फिक्स रहे। तो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद ट्रांसफार्मर को हम नीचे सेट कर देंगे, इसे अपनी जगह पर इसे रख देंगे, और रखने के बाद इसे हम अभी नट बोल्ट में नहीं कसेंगे दोस्तों, पहले हम चेक करके देख लेंगे। चेक करने के बाद फिर हम कस देंगे। अगर सारा नट बोल्ट का अगर वीडियो हम बनाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उधर वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इशू नहीं है दोस्तों। जो मेन पार्ट है मैं मेन पार्ट का वीडियो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, तो थोड़ी सी मैं एक नट से फंसा करके ताकि इधर उधर ना हिले। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब कंप्लीट हो चुका है, और ये देख सकते हैं दोनों येलो कलर की जो दो वायर है, तो इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे हमारी दो रेक्टिफायर डायोड लगी हुई है। तो दोनों रेक्टिफायर में मतलब पैरेलल कनेक्शन है, तो एक रेक्टिफायर में हमें कनेक्शन कर देना है। जो दो ब्लैक वायर है इसके कैपेसिटर का ग्राउंड में हमें नेगेटिव में सोल्डिंग कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोड पड़ता है और सारा सप्लाई जो है दोस्तों सभी का सप्लाई हमारा यहीं से ऑपरेट होती है, ये फिल्टर कैपेसिटर के माध्यम से, और प्लस और माइनस का जो फंक्शन होता है यहीं से चेंज होता है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो अभी हमने एक ब्लैक वायर को सोल्डिंग किया है, मैं अब दूसरे को भी उसी के साथ सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी मिलती है और अगर कुछ सीख पाते हैं तो मुझे बहुत इस चैनल के माध्यम से तो मुझे अपार खुशी होगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर ट्रांसफार्मर जल जाती तो फिर कॉमन नहीं होती है ये, क्योंकि फिर इसे रिवाइंड करना पड़ता, तो इसमें अभी हम रिवाइंड नहीं किए हैं, केवल इसकी जो जली हुई वायर है उसमें हम स्लिप लगा करके और इसकी कनेक्शन को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिए हैं। तो ये हमारा दोनों ब्लैक वायर जो है दोस्तों हमारा सोल्डिंग हो चुका है, और अब हम रेक्टिफायर जो डायोड है 3510 मेटल वाली जो रेक्टिफायर होती है इसमें हमारा सोल्डिंग भी हमने कर दिया है, इसमें बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ से हम टाई लॉक मार देंगे ताकि आपस में बिल्कुल देखने में अच्छी लगे और वायर इधर उधर पूरा बिझाहट नज़र ना आए। उसके बाद एक वायर और बची हुई है जो कि बॉडी ग्राउंड के लिए है, और ये वायर सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर इसे आप बॉडी शॉर्ट नहीं करते हैं तो फिर एम्पलीफायर में हमिंग वगैरह की समस्या आने लगती है। तो जब भी आप अगर हमिंग वगैरह का समस्या आती है तो एक बार इसे भी चेक करना महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे भी चेक कर सकते हैं आप। तो बॉडी में अर्थ देना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। तो हमने ट्रांसफार्मर के बॉडी से ही से शॉर्ट कर दिया है, सोल्डिंग कर दिया है दोस्तों। ये हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल कम्प्लीट है, सारी वायरिंग हो चुकी है। अब एक बार हम इसे लाइन इनपुट करके देख लेते हैं। तो कैमरा को हम थोड़ी सी वहाँ से उठा लेते हैं और इसके फ्रंट पैनल में हम दिखाते हैं आपको और फिर देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन सारा रेडी हो चुका है, और टाई लॉक के माध्यम से हमने इसे सब सेफ कर दिया है ताकि देखने में अच्छी लगे। और ये हमारा ब्लैक वायर जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर में हमने शॉर्ट किया हुआ है, ट्रांसफार्मर के बॉडी से
और दोनों पीला कलर की वायर जो लगी हुए है ये हमारा रेक्टिफायर एसी सप्लाई के लिए है, जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट जो रेक्टिफायर का काम है। और दो फिल्टर कंडेंसर की मदद से हम प्लस और माइनस मोड चेंज जो होता है दोस्तों वहाँ से है। तो अभी हम सीरीज में इसे चेक करेंगे कि देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और सीरीज बल्ब भी हमारा ज़्यादा तेज़ नहीं जल रही दोस्तों। अब हम सीरीज बल्ब को ऑफ़ कर लेंगे और एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो अब दोस्तों इसे हम एक बार लोड दे करके भी हम टेस्ट कर लेंगे आवाज़ इसकी कैसी है और इसमें क्या फॉल्ट है कि ठीक हो गई है वो हम देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमने स्पीकर वगैरह कनेक्शन सब करके रखा हुआ है दोस्तों। तो इसे हम ऑन करते हैं और हमारा म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसकी आवाज़ भी ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।